हेलो गाइस, दिस इज विजय सोनी और आप देख रहे हैं सोनी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी विजय के साथ। गाइस, आज हम एमएस एक्सेल में ग्रुप कैसे करते हैं और अनग्रुप कैसे करते हैं वो जानेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस, इसके बाद हम ग्रुप और अनग्रुप को समझते हैं कि ग्रुप और अनग्रुप क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने ऐसा कोई मैटर यहाँ पे बना लिया। ये यहां से 20 तक है, आप देख सकते हैं ए 20 तक है और यहां से ये आई तक है। मान लीजिए हमें इसे एक ग्रुप में रखना है और ग्रुप में हम इसे हाइड करके भी रख सकते हैं। तो इसे हम किस प्रकार करते हैं, इसे ग्रुप में आप देखेंगे। आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आप ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ पे ग्रुप पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप मान लीजिए रो में करेंगे तो रो को आप सेलेक्ट कर लीजिए और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपका रो है ग्रुप में हो चुका है। ये इसकी साइन है, यहाँ पर से आप देख सकते हैं ये एक लाइन है, ये इसका साइन है कि ये यहाँ से ग्रुप हो चुका है। मान लीजिए आप इसे हाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे इस माइनस पॉइंट पे। आप देखेंगे कि हमारा 20 तक का जो लिखा था वो हमारा ग्रुप हाइड हो चुका है और उसके बाद से हमारा यहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट हुआ है। क्लियर गाइस? तो ये तो हुआ हमारा रो का। मान लीजिए हम इसे प्लस पे करेंगे तो वापस ले आएंगे। मान लीजिए ये तो हमारा रो का हुआ। अब इसके बाद हम कॉलम को अगर ग्रुप में करना चाहें तो हम फिर दोबारा से ग्रुप में जाएंगे, यहाँ पे ग्रुप में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। आप देखेंगे कि चूंकि हमने रो और कॉलम दोनों को ग्रुप में ले लिया है तो हमारा रो और कॉलम दोनों ग्रुप में है। आपको इसे अगर हाइड करना है कॉलम से ग्रुप में तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए आपका वहां से देखिए आई तक का था, आई तक का जो है आपका वो ग्रुप में एक हाइड हो गया है। यहाँ पर से आप मान लीजिए इसे भी अगर रो को भी करना चाहिए, आपको ग्रुप में करना चाहते हैं हाइड, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें तो देखिए वहाँ तक का हमारा रो और कॉलम हाइड हो जाता है और वो ग्रुप में सेट हो जाता है। क्लियर गाइस? इसे वापस लाना है मान लीजिए तो आप यहाँ पे प्लस साइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से भी कॉलम में। तो इस प्रकार से हमारा ये ग्रुप जो है सो होता है। क्लियर गाइस? इसका यूज मान लीजिए हमारा बहुत सारा डाटा हम यहाँ पे तैयार कर लिए रहते हैं तो हमें इसे हटाना या हाइड करके रखना होता है, तब हम ग्रुप में इसका यूज करते हैं। क्लियर गाइस? मान लीजिए इसे हम अनग्रुप करना चाहें तो आप यहाँ पर क्लिक कर लें अनग्रुप, रो को ओके। मान लीजिए हम कॉलम को करना चाहें तो अनग्रुप कॉलम। आप देख सकते हैं इसका ग्रुप जो है हट चुका है। तो इस प्रकार से हम ग्रुप अनग्रुप का यूज करते हैं। क्लियर गाइस? उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।